Hello students, so this is our unit 5 and chapter 19. Okay, before that we have done the chapter number 15, 16, 17 and 18 in unit 5. So this unit is digital presentation, and in this chapter we will learn about using images in presentation. So let's start today's video. So student, जैसा कि आप जानते ही हैं कि हमने पहले कई चैप्टर किए हैं इसी यूनिट में, 15 से 20 जो चैप्टर हैं आपकी यूनिट 5 में. सो हम 18 चैप्टर तक कर चुके हैं, 19 चैप्टर आज स्टार्ट कर रहे हैं यूजिंग इमेजेस इन ए प्रेजेंटेशन. तो हम सीखेंगे आज के इमेजेस को एक प्रेजेंटेशन में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं. तो मैंने प्रेजेंटेशन ओपन कर लिया है. तो ये ओपन कैसे करते हैं वो मैं आपको पहले के वीडियोस में बता चुका हूँ, आप वो देख सकते हैं. एक बार प्रेजेंटेशन हमारे पास ओपन हो गई तो जैसे ब्लैंक प्रेजेंटेशन आती है, अब इसमें मुझे इमेजेस इंसर्ट करनी है तो वो मैं कैसे करूँगा. जैसे देखो बहुत सारे तरीके हैं. एक तो है इमेज को इंसर्ट करने का सबसे आसान तरीका कि आप इंसर्ट टैब में जाओ और पिक्चर ऑप्शन पर क्लिक करो. ठीक है, तो आपका इंसर्ट पिक्चर का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा. इसमें आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करो जहां आपकी इमेजेस हैं. जैसे मेरे कंप्यूटर में पिक्चर्स के अंदर ये सैम्पल पिक्चर्स हैं और यहां पर बहुत सारी पिक्चर्स हैं. ठीक है, या बैक करता हूं मैं, जैसे एक पिक्चर्स ये भी है हमारे स्कूल की पिक्चर्स है, तो मैंने इसको जैसे इंसर्ट किया तो ये पिक्चर इंसर्ट हो गई. तो आप ऐसे कोई भी पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो. ठीक है, मैं एक बार अंडू कर देता हूँ, ये अंडू मैंने कर दिया ताकि पिक्चर रिमूव हो जाए. ताकि मैं और मेथड बता सकता हूँ और कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट में तो बता ही दिया आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं. इसके अलावा आप होम टैब में ही अगर किसी स्लाइड का लेआउट चेंज कर, जैसे लेआउट में से ये जो कोई लेआउट है जिसके अंदर ये आइकन्स नज़र आ रहे हैं आपको बहुत सारे इमेजेस के, एक ये पिक्चर वाला भी है, जैसे पिक्चर वाला मैंने ले लिया तो इसके अंदर पिक्चर का आइकन होना चाहिए. आप ये वाले लेआउट भी ले सकते हो, जैसे ये लेआउट लिया तो इनमें दो हैं, इसमें भी है पिक्चर, यहाँ पे भी है पिक्चर. ठीक है, तो डिफरेंट प्लेस होल्डर्स आते हैं, तो कोई भी ऐसा लेआउट जिसके अंदर जो प्लेस होल्डर है उस प्लेस होल्डर में इंसर्ट पिक्चर वाला आइकन हो. ठीक है, तो ऐसा कोई भी लेआउट हम सेलेक्ट कर सकते हैं. जैसे चलो अब मैं ये वाला कर लेता हूँ और फिर इस इंसर्ट पिक्चर पे क्लिक करते हैं. और इस पर क्लिक करने के बाद हम वही, बाकी तो प्रोसेस सेम ही है, उस लोकेशन पर जाएंगे जहाँ हमारी पिक्चर है, पिक्चर को सिलेक्ट करेंगे, इंसर्ट करेंगे तो पिक्चर हमारी इंसर्ट हो जाएगी. बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जब आप इंसर्ट पिक्चर पे जाके पिक्चर इंसर्ट करते हो तो आपकी पूरी स्लाइड पर बाहर ऐसी जो इंसर्ट है वो होती है स्लाइड के ऊपर. आप बाद में चाहो तो उसकी लोकेशन चेंज कर सकते हो. जब आप लेआउट का यूज करते हो तो जिस प्लेस होल्डर के अंदर आपने आइकन पे क्लिक किया तो उसी प्लेस होल्डर के अंदर का जो स्पेस है उसी के अंदर जो पिक्चर लगेगी. तो जैसे अभी प्लेस होल्डर था वो यहाँ से यहाँ तक था तो उसी के अंदर जो पिक्चर है वो सेट हुई है. ठीक है, तो ये इस तरीके से आप पिक्चर इंसर्ट कर सकते हो. तो जो भी आपको मेथड ज़्यादा अच्छा लगे, कन्वीनियंट लगे, आप वो कर सकते हो. उसके बाद है आप क्लिप आर्ट का भी यूज कर सकते हो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए. जैसे मैं इसको अभी अंडू कर देता हूँ, मुझे इसका लेआउट मैं चेंज कर लेता हूँ, ब्लैंक वाला ले लेता हूँ. मैं ब्लैंक लेआउट ले लिया, ओके, ताकि प्लेस होल्डर वगैरह ना दिखाई दे. अब क्लिप आर्ट के लिए भी वही ऑप्शन है, या तो आप लेआउट ऐसा ले लो जिसमें प्लेस होल्डर आइकन हो. जैसे ये वाला है, इसमें क्लिप आर्ट का आइकन है तो इस पर क्लिक कर सकते हैं तो क्लिप आर्ट का ये डायल क्लिप आर्ट पेन ओपन हो जाएगी राइट साइड में. आप यहाँ पर सर्च में क्लिक कर सकते हो, टाइप कर सकते हो कोई भी वर्ड. जैसे मान लो आपको कंप्यूटर की पिक्चर चाहिए तो आप कंप्यूटर वर्ड टाइप कर सकते हो. टाइप करने के बाद गो पे क्लिक करेंगे तो जो वर्ड टाइप किया है उससे रिलेटेड जितने भी इमेजेस कंप्यूटर पे होंगे वो आपके सामने शो हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी वर्ड टाइप कर दोगे तो वो आ जाएंगे. तो जो इमेजेस कंप्यूटर में हैं, क्लिप आर्ट गैलरी में स्टोर हैं, तो केवल वही यहाँ पर उन आएंगी. ठीक है, तो अगर आप कोई ऐसा नेम डालते हो तो उस नेम से रिलेटेड कोई इमेज होगी तो यहाँ पर आ जाएगी. ठीक है, तो अब जैसे इनको स्क्रॉल करने के लिए यहाँ पे वर्टिकल स्क्रॉल बार है नीचे, और इमेजेस को देखने के लिए आप इसको ड्रैग कर सकते हो. तो आपको जितनी भी इमेजेस दिख रही हैं कंप्यूटर या कंप्यूटर से रिलेटेड उसमें जो भी आप इंसर्ट करना चाहो, जो आपको अच्छी लगती है, तो आप दो तरीके, या तो डायरेक्टली इस पर क्लिक कर दो. जैसे मान लो ये इमेज करनी है तो डायरेक्ट क्लिक भी कर सकते हो या इस बटन पर क्लिक करके यहाँ इंसर्ट पर क्लिक कर सकते हो. ठीक है, तो आपको जो मेथड अच्छा लगे, तो जो पिक्चर है वो इंसर्ट हो जाएगी आपकी. ठीक है, और दूसरा मेथड, एक बार मैं इसको करके अंडू कर देता हूँ. दूसरा मेथड क्या है कि आप इंसर्ट ऑप्शन पे जाओ और क्लिप आर्ट
ऑप्शन है यहाँ पर, यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हो, बाकी प्रोसेस वही सेम है। क्लिप आर्ट का क्लिप आर्ट पेन ओपन हो जाएगी, यहाँ पे टाइप करो वर्ड, कोई भी सर्च करो, गो करो, यहाँ आ जाएगी, जिस पे क्लिक करोगे वो इंसर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जो मेथड है वो यूज कर सकते हो, क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हो। उसके बाद है फॉर्मेटिंग इमेजेस। फॉर्मेट का मतलब होता है जैसे आपने इमेज इंसर्ट तो कर दी, तो जैसे मैं चलो वही स्कूल वाली इमेज जो है एक बार इंसर्ट कर लेता हूँ, ये मैंने इमेज इंसर्ट कर दी। अब मुझे क्या करना है, इस इमेज फॉर्मेटिंग मतलब इसकी अपीयरेंस को चेंज करना। अपीयरेंस का मतलब क्या है, इसकी मतलब लुक में थोड़ा बदलाव लाना। वो बहुत सारे तरीके से होता है, एक तो हो सकता है कि मूव करके कि इसकी मैं पोजीशन बदल दूँ। अभी इमेज यहाँ है, अब मुझे शायद ऊपर दिखेगी, ठीक है, तो मूव करना। अभी मैंने मूव करके दिखाया, तो सिंपल सा तरीका है, आप एक बार क्लिक कीजिए इमेज पर, उसके बाद जब माउस पॉइंटर इस इमेज के ऊपर आएगा तो फोर हेडेड एरो, जैसा कि अभी आप देख पा रहे हैं, चार हेड वाला एरो बन जाएगा। ठीक है, फोर हेडेड एरो में कन्वर्ट हो जाएगा आपका माउस पॉइंटर। तो जब ऐसा हो जाए तो आप अपने माउस के लेफ्ट बटन को प्रेस करें, प्रेस ही रखना है, और इमेज को सॉरी माउस को मूव करें, तो जैसे जैसे माउस मूव होगा तो इमेज भी उसके साथ मूव कर जाएगी। जैसे आप लेफ्ट बटन को प्रेस करेंगे सॉरी रिलीज करेंगे, जहाँ भी ले जाके वहाँ पर वो जो इमेज है जाके सेट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप इमेज को मूव करा सकते हो किसी भी लोकेशन पर जो आपको बेटर लगे। उसके बाद है रोटेटिंग एन इमेज। रोटेट कैसे करते हैं, जब आप इमेज को सिलेक्ट करते हो, जैसे देखो अभी इमेज सिलेक्ट है, मैं एक बार क्लिक करूंगा तो इमेज सिलेक्ट हो जाएगी। इससे चारों तरफ जब ये बॉर्डर आपको नजर आने लग जाए तो इसका मतलब वो सिलेक्ट है। ठीक है, बॉर्डर, और इसी बॉर्डर में ये जो होते हैं ना, ये एक तो कॉर्नर पे जो सर्कल्स नजर आ रहे हैं, ठीक है, ये भी, और जो एज है, एज पर ये स्क्वायर नजर आ रहे हैं, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, ठीक है, तो ये आठों चार कॉर्नर पर है और चार इन द मिडल ऑफ द एजेस। ठीक है, तो एट इनको क्या बोलते हैं, रिसाइज हैंडल। ये एट रिसाइज हैंडल्स हैं। इनका यूज किस लिए होता है, इमेज के साइज को छोटा बड़ा करने के लिए। जैसे मैंने यहां से किया, माउस को ड्रैग कराएंगे, ड्रैग कराना मैंने अभी बताया था आपको क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी इमेज के साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं, विड्थ को, हाइट को, कहीं से भी आप जैसा भी करना चाहें वो कर सकते हैं। ठीक है, जिस भी साइड से करना चाहें। तो रिसाइज हैंडल का यूज किस लिए होता है, रिसाइज करने के लिए। और एक रोटेट, रोटेट करना है तो इमेज को, जैसे मैं चलो इसको साइज तो थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, ओके। अब रिसाइज हैंडल, ऊपर एक ग्रीन कलर का सर्कल नजर आ रहा है सिलेक्ट होने के बाद, इस पे जब माउस आता है तो ये रोटेट हैंडल में कन्वर्ट हो गया, इसको बोलते हैं रोटेट हैंडल। ठीक है, अब इस पे जब माउस को आप लेफ्ट बटन को प्रेस कर लोगे और माउस को ड्रैग कराओगे किसी भी डायरेक्शन में, जैसे मैं लेफ्ट साइड में ड्रैग कर रहा हूं, तो जो इमेज है वो लेफ्ट साइड में घूमती जा रही है। ठीक है, एक्चुअली लेफ्ट राइट कहना ठीक नहीं है, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बोलते हैं। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं अगर माउस को मूव करता हूँ तो इमेज भी उसी डायरेक्शन में मूव होती है, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मूव करता हूँ तो इमेज भी वैसे ही रोटेट होती है। तो जहाँ अब आपको लगे, जहाँ फिट हो गई, वहाँ पे आप माउस को रिलीज कर सकते हो, तो इस तरीके से जो इमेज है वो एक फिक्स पोजिशन पर आ जाएगी रोटेट होकर। ठीक है, रोटेट, अब एक बार मैं इसको स्ट्रेट कर देता हूँ। एक तो तरीका ये है रोटेट करने का, आप इस रिसाइज हैंडल से कर सकते हो। इसके अलावा जो आप रोटेट है वो इस फॉर्मेट ऑप्शन पे अगर आप जाओ, ठीक है, तो यहाँ पर आपको अरेंज ग्रुप के अंदर रोटेट ऑप्शन मिलेगा, तो यहाँ से भी आप कर सकते हो। जैसे रोटेट 90 पे करो, 90 डिग्री पर रोटेट हो गया। तो अलग अलग ऑप्शंस हैं, ये चार ऑप्शंस हैं, तो इन चारों को आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो जो जो आप पढ़ सकते हो, फ्लिप हॉरिजॉन्टल, फ्लिप वर्टिकल, रोटेट लेफ्ट 90, यानी ये लेफ्ट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा और ये राइट डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट करेगा। ठीक है, तो इनका यू भी यूज कर सकते हो आप जैसा भी चाहो। तो या अंडू कर सकता हूँ मैं अभी उसको अपने पहले वाली पोजीशन में लाने के लिए। चलो अब ये हो गई, तो ये था रोटेट करना या रिसाइज करना। अब बात करते हैं डिलीट करना। डिलीट करना तो सिंपल सा है, किसी भी इमेज को बस सेलेक्ट कीजिए, आपके कीबोर्ड से डिलीट बटन को प्रेस कीजिए, वो इमेज जो है डिलीट हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हम इमेजेस को इंसर्ट करा सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं, मूव करा सकते हैं, ठीक है, या डिलीट कर सकते हैं कोई भी इमेज अगर चाहे तो। उसके बाद बात करते हैं शेप्स की। अब शेप्स के लिए मैं पहले तो क्या करता हूँ, वैसे ज़रूरी नहीं है ये प्लेस होल्डर को आप रिमूव करो, बट मैं लेआउट पर क्लिक करके ब्लैंक वाले लेआउट ले लेता हूँ, ताकि प्लेस होल्डर ना रहे, मुझे एक ब्लैंक स्लाइड दिखाई दे, ओके, ताकि थोड़ा सा अच्छे से समझ आए शेप्स। अब शेप्स को इंसर्ट करने के भी दो तरीके हैं, या तो होम टैब में ही, यहाँ पे देखो ड्राइंग ग्रुप है, इसके अंदर यहाँ पर एक ये मोर बटन है, इस पर क्लिक करते हैं तो बहुत सारी शेप्स आ जाती हैं, तो आप यहाँ से भी शेप्स को सिलेक्ट कर सकते हो। यही शेप्स आपको इंसर्ट टैब में
जाकर इलस्ट्रेशन ग्रुप के अंदर भी मिलती है शेप्स ऑप्शन, इस पर क्लिक करते हो तो वही शेप्स यहाँ पे जहाँ से मर्जी आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब सोच करो मुझे क्या बनाना है, एक जैसे क्लाउड है, क्लाउड पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये प्लस के साइन में चेंज हो जाएगा आपका जो माउस पॉइंटर है। उसके बाद आपको माउस को सिंपली ड्रैग करना है जहाँ भी आपने जो इमेज जो सॉरी शेप सेलेक्ट किया है। आप जैसे ही माउस को ड्रैग कराओगे तो वो शेप बन जाएगी। तो ऐसे ही आप दोबारा से ये एक फॉर्मेट टैब आ जाती है, इस फॉर्मेट टैब में भी जाके भी दोबारा से ये ले सकते हो, यही शेप सेलेक्ट कर सकते हो, या होम में भी है यहाँ से भी कर सकते हो, या इंसर्ट में भी मैंने बताया था वहाँ से भी कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैंने ये बार बार क्लिक करके दो या तीन ऐसे क्लाउड यहाँ पर बना दिए। ठीक है, अब ऐसे ही शेप में मैं गया, सॉरी चलो यहीं पर है, तो शेप में क्लिक किया और मैंने एक सन वाली पिक्चर मैं ले लेता हूँ। मैंने सन लिया और यहाँ पर मैंने ऐसे सन को बना दिया। ठीक है, अब जो शेप्स बनी है, एक्चुअली जब आप शेप्स ड्रॉ करते हो तो जो पहली शेप आप ड्रॉ करोगे वो सबसे नीचे बनेगी, सेकंड वाली उसके ऊपर बनती है, थर्ड वाली उसके ऊपर बनती है। ठीक है, जैसे इन दो शेपों में मैंने देखो इस शेप को उठा के इसके ऊपर ले गया था, बट ये शेप नीचे गई क्योंकि ये पहले बनी थी, ये नीचे बनेगी। उसके बाद ये शेप बनी थी, उसके बाद अगर मैं इसको इसके नीचे ले जाऊँ, ये लास्ट में बनी तो ये इसके ऊपर आई, तो जो सन सबसे लास्ट में बना था तो सन को देखोगे तो ये हमेशा सबके ऊपर रहेगा। बट आप इनको चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने यहाँ पे रखा तो अब देखो जैसे मैंने इस वाले क्लाउड को, नीचे वाले क्लाउड को सिलेक्ट कर लिया। ओके, सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे अरेंज ग्रुप है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो इसमें ब्रिंग टू फ्रंट का ऑप्शन आता है। अगर मैं इस पर क्लिक कर दूँ ब्रिंग टू फ्रंट, तो ये वाला जो क्लाउड है सबसे ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो अब जो ये सन है इसके नीचे छुप गया। तो अब इस तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे अब मैं थोड़ा थोड़ा अलग कर देता हूँ, बस ये समझाया था ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। ब्रिंग टू फ्रंट का मतलब सबसे ऊपर आ जाएगी जो जो भी शेप सेलेक्ट कर रखी है, सेंड टू बैक करोगे तो वो सबसे नीचे चली जाएगी, ब्रिंग टू फॉरवर्ड करोगे तो एक एक स्टेप ऊपर आएगी। जैसे अब ये शेप है, अगर मैं ब्रिंग टू बैक करूँगा तो ये एक स्टेप नीचे जाएगी पहले, ठीक है, फिर उसके नीचे, फिर उसके नीचे, जैसे चार इमेज है तो चार स्टेप बनेंगे। ठीक है, तो एक एक करके, तो एक एक करना है तो यहाँ से करेंगे, एकदम से सबके ऊपर लाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट, और सबके ही नीचे ले जाना है तो सेंड टू बैक। तो इनका यूज हम कर सकते हैं। इसके अलावा चलो अब मैं इसको सन को ऐसे बना देता हूँ, तो अब ऐसा लग रहा है जैसे सन इसके पीछे छुपा हुआ है। अब इनमें कलर वगैरह भी आप फिल कर सकते हो, जैसे सन को सिलेक्ट करके सन थोड़ा येलो कलर में ज़्यादा अच्छा लगेगा। ये फॉर्मेट टैब आ जाते हैं, यहाँ क्लिक करते हैं शेप पे फिल, शेप फिल पे क्लिक करते हैं, येलो जो कलर है वो मैंने फिल किया, तो अब देखो थोड़ा सा शेप बन गई है अच्छे से। ओके, अब लेकिन मुझे ये लगा ये शेप बनाने के बाद कि ये जो है थोड़ा सा ज़्यादा ऊपर बना दे, मैंने थोड़ा नीचे बनानी चाहिए थी या थोड़ा सा और ऊपर करना चाहिए था। तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, इस क्लाउड को मैं थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, इसको भी थोड़ा सा और ऊपर करूँगा, फिर इसको ऊपर करूँगा ऐसे, फिर सन को ऊपर करूँगा, तो मुझे चार स्टेप करने पड़े। अब मैं अंडू कर देता हूँ एक बार, तो मैंने अंडू किया, सो हमने चार बार मतलब एक्चुअली ये जो सारी इमेज एक एक करके सबको ऊपर नीचे मूव कराना पड़ रहा है। तो इसके लिए एक ऑप्शन होता है ग्रुप करने का। ग्रुप करने के लिए क्या, अगर मैं इनको सबको ग्रुप कर दूं तो ये सारी एक प्रकार से यूँ समझ लो एक शेप बन जाएगी। उसके बाद आप इकट्ठा इनको मूव करा सकते हो, डिलीट कर सकते हो एक ही बार में, रिसाइज कर सकते हो। ठीक है, तो ये सब काम एक ही बार में कर पाएंगे, अलग अलग नहीं करने पड़ेंगे हर शेप के साथ। तो ग्रुप करेंगे कैसे, उसके लिए सबसे पहले तो मुझे इन चारों शेप्स को सिलेक्ट करना, मतलब जिनको मुझे ग्रुप करना है उन सभी शेप्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा। और उसका तरीका क्या है, अब एक सबसे आसान तरीका, तो आप ऐसी जगह पे माउस को रखो जहाँ से हम ड्रैग कराएं माउस को, जैसे मैं अभी ड्रैग करा रहा हूँ, तो चारों की चारों इमेज इसके अंदर आ जानी चाहिए। ठीक है, तो ये आ गई। अब मैं जैसे ही माउस बटन को रिलीज करूंगा तो देखो चारों शेप एक बार में सिलेक्ट हो गई। मैं खाली जगह पे क्लिक करूंगा तो वो अनसेलेक्ट हो जाएंगे दोबारा, लेकिन ध्यान रखना चारों बिल्कुल अंदर आने चाहिए, थोड़ी सी भी रह गई। देखो मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया तो ये इमेज जो है, ये दो इमेजेस देखो थोड़ी थोड़ी रह गई हैं, तो ये दोनों सेलेक्ट ही नहीं हुई। इनको ध्यान से देखा हो आपने तो ये थोड़ी सी किनारा कट रहा था, पूरी अंदर नहीं आई थी, तो थोड़ी सी भी अगर बाहर रह जाती है जो आप एरिया बनाते हो उस एरिया से, तो वो सेलेक्ट नहीं होगी। ठीक है, तो चलो अब मैं एक बार दोबारा से सिलेक्ट कर लेता हूँ। एक तो ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं, दूसरा तरीका क्या बताया सिलेक्ट करने का, एक एक करके आप सिलेक्ट कर सकते हो कि याद, जैसे आपने एक बार इस पर क्लिक किया, बट अब मैं अगर देखो इस पर क्लिक करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गई, इस पर करता हूँ तो ये अनसेलेक्ट हो गई।
ठीक है, तो आप क्या करो, एक को तो एक बार नॉर्मल सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप शिफ्ट या कंट्रोल, शिफ्ट या कंट्रोल में कोई भी एक बटन को प्रेस कर लो। जैसे मैंने अभी शिफ्ट बटन को प्रेस कर लिया, उसके बाद मैं इस पर क्लिक करता हूँ, नेक्स्ट पे, नेक्स्ट पे। शिफ्ट बटन को छोड़ना नहीं है, रिलीज नहीं करना, आप नेक्स्ट जो शेप्स है उन पर क्लिक करते जाओ, वो सिलेक्ट होती जाएंगी। तो एक बार आप जिस भी तरीके से इनको सिलेक्ट कर लो, एक बार जो भी शेप आपको ग्रुप करनी है उनको सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद अब कई मेथड है, या तो आप राइट क्लिक करो और यहाँ पर आपको ग्रुप का ऑप्शन दिखाई देगा, आप ग्रुप ऑप्शन पे क्लिक करो, ग्रुप का ऑप्शन दोबारा आएगा, इस पर क्लिक कर दो तो ये ग्रुप हो गए। अब देखो, एक बार ग्रुप होने के बाद क्या है, मैंने इनको यहाँ उठा सकता हूँ, ऊपर ले जाना, ऊपर ले जा सकता हूँ। इवन दो इनका साइज छोटा करना, मैं देखो इसका साइज कर दो, सबका साइज एक सेम रेशियो में छोटा हो जाएगा, ठीक है, छोटा या बड़ा जो भी करना चाहूँ तो मैं, एक सेम रेशियो में रहेगा ये, ओके। तो सभी साथ साथ छोटी या बड़ी होंगी, उनकी पोजीशन भी जो है वो एक दूसरे के साथ वैसे रिलेटिव रहेगी जैसे वो पहले थी, ऐसे नहीं कि कोई इमेज कहीं भाग गई, कोई कहीं भाग गई, ठीक है। तो ये होता है ग्रुपिंग का फ़ायदा। अब एक बार मैं अंडू कर देता हूँ ताकि ग्रुपिंग के दूसरे मेथड भी बता सकूँ। तो ये थी चार ग्रुप, मैंने अंडू कर दिया तो ये दोबारा से वापस हो गए हैं पहले। अब इनको ग्रुप करना है तो ग्रुप करने का एक तरीका तो होता है, यहाँ पर राइट क्लिक करके आप कर ही सकते हो, ग्रुप पे क्लिक करके फिर ग्रुप पे, ठीक है। या दूसरा तरीका यहीं पर अगर आप देखो तो अरेंज ऑप्शन, ये ड्राइंग ग्रुप के अंदर अरेंज ऑप्शन होम टैब में, ठीक है, तो ये ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इसमें भी ऑप्शन आ रहा है ग्रुप का, इस पर क्लिक कर दो तो भी ग्रुप हो जाएगा। मैं फिर से अंडू करता हूँ, ठीक है। दूसरा तरीका, एक यहाँ पे भी एक फॉर्मेट टैब जो आ जाती है, जैसे आप कोई भी शेप सेलेक्ट करते हो तो फॉर्मेट टैब अपीयर हो जाते हैं, उस पर क्लिक करो तो इसके अंदर भी एक ग्रुप का ऑप्शन आता है, अरेंज ग्रुप के अंदर ग्रुप ऑप्शन आएगा, फिर से ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो ये फिर से ग्रुपिंग हो जाए। तो आप कोई भी तरीका, एक शॉर्टकट की भी होती है, कंट्रोल प्लस जी, मैं फिर एक बार अंडू कर देता हूँ और अब मैं शॉर्टकट की प्रेस करता हूँ कंट्रोल प्लस जी तो भी ग्रुप हो गया। तो चार मेथड मैंने आपको बताई, तो चारों में से कोई भी मेथड आप यूज कर सकते हो, इस तरीके से आप उनको ग्रुप कर सकते हो। सेम तरीका अनग्रुप करने का भी है, या तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी प्रेस कर दो, की शॉर्टकट की अलग है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जी, ठीक है। और या फिर अब मैं एक बार अंडू करता हूँ ताकि ये ग्रुप हो जाए। अब या आप जैसे फॉर्मेट टैब में ग्रुप पे आके अनग्रुप पे क्लिक कर सकते हो तो भी अनग्रुप हो जाएंगी। मैं फिर से अंडू करता हूँ ताकि ग्रुप हो जाए, ये ग्रुप हो गई है। अब फिर से ग्रुप अनग्रुप करना है तो होम टैब में आकर, अरेंज में आकर अनग्रुप ऑप्शन पे क्लिक कर सकता हूँ तो भी। तो डिफरेंट मेथड्स हैं वही लगभग, तो आप कैसे भी कर सकते हो, कहीं से भी कर सकते हो, क्योंकि कंप्यूटर में एक खास बात ये होती है, एक ही काम को करने के पता नहीं बहुत सारे मेथड्स होते हैं, तो आप कोई भी मेथड जो आपको जल्दी से याद आ जाए, ज़्यादा आसान लगे, वो यूज़ कर सकते हो, ठीक है। बट आपको याद सारे ही रखने चाहिए। तो ये था जो हमारा 19 चैप्टर अब यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अब हम मिलेंगे चैप्टर नंबर 20 के अंदर फिर से। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, स्टे एट होम एंड स्टे सेफ।